कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के डिबाई नगर क्षेत्र में शनिवार को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेड के पास पड़े शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के बाद से पति समीर घर से गायब है। पुलिस मानकर चल रही है कि आपसी अनबन के बाद पति द्वारा ही गुल्फ शाह की हत्या की गई है। दो साल पहले ही गुल्फ शाह की समीर से शादी हुई थी। उनके पास 8 माह का बच्चा भी है। देखिए, मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी ने यह जानकारी दी। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में एक मर्डर की सूचना प्राप्त होने पर नौचंदी पुलिस स्वयं में हम लोग तत्काल यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, जिसमें एक महिला की हत्या की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया है। इसमें फील्ड यूनिट को बुला करके शव को लीगल तरीके से कस्टडी में लेते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी मौत का सही कारण होगा या और भी कोई लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी को चिन्हित करते हुए इसमें कार्यवाही की जाएगी। सर, हत्या के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, अभी जांच का बहुत ही इनिशियल फेज चल रहा है। इसमें जैसे भी जांच होगी, बातें सामने आएंगी, आपको बताया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।